सलमान खान को किस करने पर ट्रोल हुई थी शहनाज गिल, पहली बार तोड़ी चुप्पी, हिटर्स को दिया करारा जवाब। फैंस की चहेती शहनाज गिल वैसे तो सोशल मीडिया पर हर वक्त छाई रहती हैं, मगर अर्पिता खान की ईद पार्टी से सामने आए उनके वीडियो जबरदस्त वायरल हुए थे। इनमें शहनाज और सलमान खान का बॉन्ड दिखा। जिस तरह से सलमान खान उनकी नजदीकी दिखी वो कईयों को पसंद नहीं आई थी। शहनाज कभी सलमान को किस करती तो कभी हग। शहनाज को इसके लिए लोगों को ट्रोलिंग सहनी पड़ी थी। अब शहनाज ने इस पर रिएक्ट किया है। शहनाज के मुताबिक ये हर सेलेब्स की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसे कईयों ने प्यार समझा तो कईयों ने ट्रोल किया। एक सेलेब्स होने के ये पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है। शहनाज के मुताबिक उन्हें पॉजिटिव साइड पर फोकस करना है। वे कहती हैं, मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड पर ही ध्यान देना चाहती हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं तो क्यों मैं नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करूँ। अर्पिता खान के इस ईद बैश में बॉलीवुड के नामी सितारों ने शिरकत की थी, लेकिन पूरी लाइमलाइट पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल लूट ले गई थी। सलमान संग शहनाज का ऐसा बॉन्ड पहले कभी नहीं देखने मिला था। शहनाज पर सलमान खान का मेहरबान भी है, तभी तो शहनाज को अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से डेब्यू करने का मौका दिया है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। शहनाज गिल का एक ऑटोग्राफ वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिखा। वीडियो में शहनाज ने ऑटोग्राफ देते हुए लिखा, शहनाज गिल लव्स यू, शहनाज को सपोर्ट करते रहिए। ऑटोग्राफ में शहनाज ने सिड को अपने नाम से ऊपर रखा, पहले सिड लिखा फिर नीचे शहनाज। शहनाज हैशटैग का इस्तेमाल करने पर दूसरे एक इंटरव्यू में शहनाज ने कहा कि शहनाज उनके लिए सब कुछ है। लोगों के लिए ये हैशटैग या फेवरेट जोड़ी होगी, लेकिन उनके लिए जिंदगी है जो उन्होंने जी है, महसूस की है और उनके साथ हमेशा रहेगी। मैम थोड़ा सा मास्क मैम यहाँ पे मैम यहाँ